गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नारायणा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 के हिंदी में हम क्या निरात स्वाध्याय पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह पहला प्रश्न है, क्या निरात स्वाध्याय पाठ के लेखक कौन है? जो क्या निरात स्वाध्याय पाठ है उसके लेखक का नाम बताना है। तो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? आजकल जो समाचार पत्र छपते हैं उनमें अधिकतर खबर जो है किस विषय की होती है? ठगी एवं डकैती, चोरी और तस्करी, भ्रष्टाचार आदि। इन सभी विषयों के समाचार जो होते हैं, खबर जो होते हैं वो अधिक छपती है। प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? हाँ, हर व्यक्ति को आज किस दृष्टि से देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से। हर व्यक्ति आज को देखने की दृष्टि दूसरी क्या है? संदेह की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति को देखा जा रहा है। कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से कौन संकोच नहीं करते? हाँ, कानून की जो त्रुटियां हैं उनका लाभ उठाने का कौन संकोच नहीं करता, कौन उनका फायदा आसानी से उठा लेते हैं? तो धर्म भीरु लोग जो है वो इसका फायदा आसानी से उठा लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? उत्तर है भौतिक वस्तु। हाँ, भौतिक संसाधन जो है उनके संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? लेखक ने टिकट बाबू को रुपए दिए तो कितने रुपए उन्होंने उनको दिए थे? 100 का नोट। 100 का नोट जो है टिकट बाबू को उन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? हम बस का कंडक्टर बस खराब होने के कारण से जब बस अड्डे गया था तो उस समय अपने साथ क्या वापस लेकर के आया? दूध और पानी। बच्चों के लिए दूध और पानी की व्यवस्था करके अपने साथ वो लेकर के आया था। अगला प्रश्न है, आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है? आज के समय में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अधिक परेशानी का जीवन जी रहे हैं, अधिक परेशानी उनको उठानी पड़ती है? तो जो लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और भोले भाले लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं अधिक परेशान हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।